तो भाई बिग बॉस में ऐश्वर्या शर्मा के निकलने के बाद अंकिता को भी हो रहा है पछतावा। अंकिता ने एक बार फिर निभाई असच्ची दोस्ती, अच्छी दोस्ती। ऐश्वर्या शर्मा को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो क्या हुआ है आखिर, क्यों अंकिता कर रही है पछतावा, क्या नील भट्ट के साथ अंकिता का हो गया है पैचअप। दोस्तों बिग बॉस सीजन 17, वैसे तो बिग बॉस सीजन 17 में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। लोग फेक ड्रामे कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर ब्लेम करना, एक दूसरे को बदनाम करना, तू छोटा तू छोटा तू बड़ा, यही गेम चल रहा है। बिग बॉस में ईशा ने कर दी थी एक बड़ी गलती, बिग बॉस ने ये गलती नहीं की थी, बिग बॉस के थ्रू ईशा ने की, क्योंकि बिग बॉस का तो पूरा प्लान था कि बिग बॉस भैया निकालना चाहते हैं अनुराग को। अनुराग तो निकल नहीं रहा, वो गले की हड्डी बन गया है, ना ही निकला जा सकता है ना ही निकाला जा सकता है। अब बिग बॉस ने दे दिया था ईशा को एक ऐसा प्लान कि सबसे ज़्यादा रूल जिसने ब्रेक किया है भाई बता दो उसका नाम। ईशा ने दे दिया ऐश्वर्या का नाम, और यहां पर ईशा खेल गई बड़ा गेम। अब ईशा ने जो ये गेम खेला है तो इसका उनको सजा तो मिलेगी। नील भट्ट के साथ एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली है बिग बॉस के घर में। नील भट्ट का गुस्सा फूटते नजर आया है ईशा पर, और ईशा के साथ साथ पूरा घर है ईशा को जो खिलाफ बात कर रहे हैं, सभी ये बात कर रहे हैं। और अंकिता से कहां लड़ रही थी आप ऐश्वर्या दीदी, अंकिता को आप जाकर देखो, अंकिता रिग्रेट कर रही है, जबकि अंकिता की कोई गलती नहीं है। अंकिता ने तब भी नील के सामने ये बातें कही कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐश्वर्या चली गई। ऐश्वर्या को वो कॉम्पिटिटर नहीं देखती थी, ऐश्वर्या अंकिता को कॉम्पिटिटर देखती है, और यही सच्चाई है अंकिता की। इसीलिए जनता अंकिता को इतना सपोर्ट कर रही है, इतना उन पर विश्वास दिखाया जा रहा है। इवन एक बात आपको याद है, मुनव्वर को भी जब सलाह लेना होता है ना कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो अंकिता के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अंकिता उसको सही सजेशन देगी एज एन फ्रेंड एज एन कंटेस्टेंट। अब नील भट्ट का तो भैया गुस्सा फूटना ही था, ये तो सबको पता है कि नील भट्ट की वाइफ है, ये बात तो खुद ईशा भी कह रही है, लेकिन अभिषेक अंकिता रिंकू भाभी सभी लोग जो हैं वो ईशा के खिलाफ चले गए हैं। ईशा का जो कदम था वो कहीं ना कहीं बायस्ड दिख रहा है। ईशा ने खुद कहा भाई मैं तो बायस्ड हूं, मुझे नहीं निकालना अनुराग को। और सही बात भी है, ईशा की अगर मर्जी थी तो ईशा जिसको चाहे उसको निकाल ले, लेकिन ये जो फेयर अनफेयर का गेम चल रहा है ना बॉस, याद रखना ऐश्वर्या की हो सकती है एक बार फिर एंट्री, क्योंकि बिग बॉस तो चाहते नहीं थे कि ऐश्वर्या निकल जाए। ऐश्वर्या नहीं होगी तो कलेश किस पे करेंगे, ये भी तो एक बात है, और यही देखने के लिए ना बिग बॉस ऐश्वर्या की एंट्री करा भी सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा देखने को मिला है, एक सीख देखने को मिला है, ऐश्वर्या शर्मा जो अपने दुश्मन को एक अपना रिवेंज मान लेती है, जो अपने दुश्मन से बदला लेने की सोचती है, चाहे वो ऐश्वर्या हो या चाहे वो अंकिता हो या फिर आयशा हो या कोई भी, लेकिन अंकिता जो है इसीलिए सबसे अच्छी है, अंकिता को इसीलिए सबसे ज्यादा को डिजर्विंग विनर माना जा रहा है, क्योंकि अंकिता ने ऐश्वर्या से लड़ाई के बाद भी ऐश्वर्या का साथ दिया और ये बातें कही कि ईशा ने यहाँ पर अनफेयर गेम खेला है, जबकि सबको पता है कि ईशा अंकिता को सपोर्ट कर रही थी। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये अंकिता का बढ़प्पन नहीं है कि ऐश्वर्या जो उनके पीछे पड़ी थी, ऐश्वर्या जो उनसे लड़ रही थी, उसके बाद भी वो ऐश्वर्या के लिए रिग्रेट फील कर रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप भी देखना चाहते हो तो कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब।